शांति कुटी आश्रम में प्रतिदिन अमृतमयी भागवत कथा की बहार। मां नर्मदा की पावन उद्गम स्थली अमरकंटक तीर्थ में मार्गशीर्ष मास के पावन अवसर पर परम पूज्य बैकुंठवासी जय जय सियाराम बाबा साहेब तथा मौनी बाबा की तपस्थली शांति कुटी आश्रम में अमृतमयी बाड़ी संगीत में श्रीमद भागवत कथा की बहार चल रही है। भागवत कथा व्यास पीठ पर पंडित रमाकांत मिश्र श्री वृंदावन धाम से अमृतमयी वाणी से कथा की बहार चारों तरफ फैला रही है। कथा के मुख्य यजमान जुगल किशोर राम रायका व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा देवी राम रायका सतना से तथा कथा संयोजक सुप्रसिद्ध पीताम्बरी शोरूम से काशीवासी शिव कुमार लोहिया उनकी पत्नी श्रीमती अंजलि लोहिया रामेश पोदार पत्नी श्रीमती सरोज पोदार मानिंद्रगढ़ सहयोगी बने। इस कथा में कटनी बिलासपुर दमोह धुलिया से पधारकर व्यासपीठ से बह रही अमृतमयी भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। उपस्थित भक्तगण व अमरकंटक के श्रद्धालु जन पहुंचकर कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कथा का चौथा दिन पूर्ण हो चुका है। आश्रम के संत स्वामी रामभूषण दास जी महाराज ने बताया कि लॉकडाउन के बाद भागवत कथा का यह अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि भक्तगण अपने श्रद्धा अनुसार कथा करवा रहे हैं तथा सुबह सुबह गरीब जन व नर्मदा परिक्रमा वासियों को आश्रम मेन गेट पर कभी पोहा चाय पूड़ी सब्जी आदि प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है। हमारे यहाँ धार्मिक कथा व अन्य प्रोग्राम यहाँ चलते रहते हैं। भक्तजन गुरु आश्रम में पधारकर धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं और आश्रम की तरफ से कई त्यौहार साल भर में अनेक धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। यह कथा 7 तारीख से प्रारंभ हुई है, जो 13 तारीख तक चलेगी और 14 तारीख को हवन व भंडारे के साथ समाप्त होगी। रामघाट में मां नर्मदा जी की महाआरती भी होना सुनिश्चित है। आश्रम में भक्तजन श्रद्धालु जन कोरोना का पालन करते हुए कथा का लाभ ले सकते हैं।